खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। इस समय मौजूद हैं हम मुंबई बाग में, मुंबई का नागपाड़ा इलाका, जहां CAA NRC के खिलाफ जो है यहां पर प्रोटेस्ट हो रहा है और करीब 12 दिन हो चुके हैं इस प्रोटेस्ट को यहां पर, जो महिलाएं यहां पर प्रोटेस्ट कर रही हैं, जिसे मुंबई बाग के नाम से जाना जा रहा है। एक बात बता दें आपको, आज जो है तमाम अटकलें लगाई जा रही थी कि आज ये जो प्रोटेस्ट है ये शाम को 5 बजे तक ख़त्म करा दिया जाएगा, लेकिन आपको हम दिखा दें कि रात के करीब 8 से 9 बजने वाले हैं और ये प्रोटेस्ट यहाँ पर जारी है, बल्कि महिलाओं की तादाद जो है आज इस प्रोटेस्ट में और ज़्यादा बढ़ गई है। जिस तरह से जो कमेटी थी यहाँ पर, उस कमेटी का कहना था कि ये प्रोटेस्ट जो है आज शाम को 5 बजे तक बंद करा दी जाएगी, लेकिन जिस तरह से ये खबर फैलते गई और महिलाओं को जिस तरह से ये खबर मालूम पड़ते गई, महिलाओं की तादाद यहाँ मुंबई बाग में बढ़ते गई और महिलाओं का प्रोटेस्ट जो है यहाँ पर और तेज़ हो गया है। बल्कि यहाँ पर अगर महिलाओं की हम बात करें तो लगातार जो है महिलाएं यहाँ पर आ रही हैं और अपना जो है यहाँ पर इस कानून के खिलाफ जो है विरोध प्रदर्शन यहाँ पर कर रही हैं। और हम आपको दिखाना चाहेंगे कि जिस तरह से यहाँ पर जो है कॉलेज के जो छात्र हैं वो भी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और इस कानून को लेकर जो है यहाँ पर वो छात्र भी विरोध जता रहे हैं, बल्कि तमाम जो महिलाएं हैं यहाँ पर इस कानून को लेकर जो है विरोध प्रदर्शन कर रही हैं। कहीं ना कहीं ये प्रोटेस्ट जो है अब बढ़ता हुआ जा रहा है, एक तरह से जो है आरोप लगाया जा रहा है कि जो कहीं ना कहीं इस मुंबई बाग का जो प्रोटेस्ट है इस पर राजनीति हो रही है, लेकिन उस राजनीति को दरकिनार करते हुए जो है महिलाओं ने आज अपना हौसला यहाँ पर दिखा दिया है कि किस तरह से ये महिलाएँ CAA NRC NPR के खिलाफ हैं और आज ये प्रोटेस्ट जो है और बढ़ता जा रहा है। हम आपको बता दें कि ये मुंबई का नागपाड़ा इलाका है, अरबिया होटल से लेकर जो नया नगर है चिलिया बिल्डिंग जहां पर है वहां तक ये प्रोटेस्ट जो है अब पहुंच गया है। इसी तरह से ये पूरा रोड जो है खचाखच महिलाओं से भरा हुआ है। आप देख सकते हैं तमाम महिलाएं हैं यहां पर जो प्रोटेस्ट कर रही हैं। हालांकि जो प्रोटेस्ट ये महिलाएं कर रही हैं, हम उनसे भी इस प्रोटेस्ट में जो है बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिर किस तरह से जो ये प्रोटेस्ट किया जा रहा है, इसमें किस तरह से जो है तमाम अटकलें लगाई जा रही हैं, लेकिन उसके बावजूद जो है ये प्रोटेस्ट अभी भी जारी है। कि आज बढ़ावा दिन हो गया है इस प्रोटेस्ट का, जिस तरह से जो पुरुष थे यहाँ पर लगातार जो है आप लोगों की देखभाल कर रहे थे, वॉलंटियर के तौर पर यहाँ मौजूद थे, और आज ऐसा क्या हुआ जो 5 बजे तक जो है इसे ख़त्म कराने की बात की गई, लेकिन उसके बावजूद जो है प्रोटेस्ट और बढ़ता गया, यहाँ पर और महिलाएं पहुँच गई। हाँ, असल में बात ये है कि हम सिर्फ महाराष्ट्र के लिए नहीं बैठे, हम पूरे देश को, पूरे इंडिया को बचाने के लिए बैठे और ये हमारा, हाँ, और ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है कि हम प्रोटेस्ट करें, अपनी आवाज़ उठाएं। और हम सारी महिलाएं, मेरी माएँ, मेरी बहनें, सारी बच्चियां यही चाहती हैं कि प्रोटेस्ट 26 जनवरी को यहीं से शुरू हुआ था, तो हम इसे यहीं कायम रखें और हम लोगों ने आपस में एकता दिखाई, सब बहनें हमारे साथ हैं और भी कम्युनिटी के लोग हमारे साथ हैं, तो हम चाहते हैं कि यहीं पर प्रोटेस्ट जारी रहे जब तक हमारी मांगें ना पूरी हो। इसलिए आज मेरी सारी बहनें आई हैं, सबने साथ दिया और आप देख सकते हैं कि कितने ज़्यादा लोग हैं। जिस तरह से जो कमेटी थी उन लोगों का कहना था कि जो है हम 5 बजे तक परमिशन नहीं मिली है इसकी, इस तरह से प्रोटेस्ट नहीं कर सकते, 5 बजे तक उनका जो है साथ रहा। देखिए, उर्दू के एक अखबार में रईस शेख जो है उन्होंने कहा है कि महिलाएं जब तक चाहे वो प्रोटेस्ट करें। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई। हाँ, मैं एक आपको बात बता रही हूँ, जो रईस शेख है उन्होंने उर्दू के अखबार वाले को कहा है कि महिलाएं जब तक चाहे ना तब तक प्रोटेस्ट कर सकती है, उनका सपोर्ट हमें है। बैठे हैं हम अपने हक के लिए, किसी के दबाव में नहीं है, किसी के जोर जुलुम में नहीं है, हम जितने बैठे हैं हम सब अपने हक के लिए बैठे हैं और उन बच्चों के लिए बैठे हैं जिनको पढ़ाई करने के लिए कहते हैं और उन्हीं को घुस के मारते हैं। हम उन बच्चों के लिए भी बैठे हैं जो माँ बहनें इतना नुकसान करते हैं, अपना पेट भरते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं, और आज हमें ऐसी जगह डालेंगे जो हमारे बच्चों की पढ़ाई नाकाम हो जाएगी। हम सब अपने हक के लिए बैठे हैं, अपनी मर्जी से बैठे हैं, हम किसी के दबाव में नहीं है, हमारा फैसला हो जाए हम अपने अपने घर चले जाएंगे। और जब तक शाहीन बाग का प्रोटेस्ट रहेगा तब तक आप लोगों का प्रोटेस्ट बिल्कुल भी नहीं है, ये बात बिल्कुल भी नहीं है। वो हमारे लिए एक इंस्पिरेशन है, JNU में जो हुआ वो हमारे लिए एक इंस्पिरेशन है, जामिया में जो जुल्म है वो हमारे लिए एक इंस्पिरेशन है।
तो कब तक आप लोगों का ये प्रोटेस्ट जो जारी रहेगा, जो बातें सामने आ रही है कि आप लोगों को कहा जा रहा है वापस नहीं लेंगे, हम लोग यहीं बैठे रहेंगे जब तक हुकूमत ये काला कानून वापस ना ले। और बोलने से कुछ नहीं होगा, लिख के देना होगा उनको कोर्ट में, जब तक स्टे ऑर्डर नहीं लगेगा थप्पा नहीं मारेंगे तब तक हम लोग यहीं बैठेंगे। हटाने की बात नहीं कर रहा है तो फिर ये कानून क्यों लागू किया गया है, क्यों औरतें निकली हैं? औरतों ने सुना इस चीज को कि मुसलमानों को हटाना है यहाँ से, तो आज सब अपने हक के लिए जो इसमें सिख सिकाई पंजाबी हिंदू सब हमारे चार सिपाही है, हम लोग सब एक है, हम सब एक है, हमको किसी के भी वो नहीं चाहिए, हमारे को काला कानून नहीं चाहिए, ये हमारा आजादी चाहिए। ये देश हमारा ऐसा है कि ये त्योहार मनाते हैं कभी दूसरे मनाते हैं कभी हम मनाते हैं, हमारा एक हिंदुस्तान रंगीन मजहब है, हम इसको काला करने नहीं देंगे और ना करना चाहिए। सरकार से ये अपील है हमारी, हमारे सर पर से काला बादल हटा दो। आपने बहुत नारा सुने, इनकलाब का नारा है हिंदुस्तान हमारा है, तो वाकई में हिंदुस्तान हमारा है, हम ये साबित करने बैठे कि हिंदुस्तान हमारा है। अरे हम तो जब ये तराना गाते हैं ना कि सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हमारे आंखों में आंसू आ जाते हैं, हमारे रोंगटे खड़े होते हैं, और तुम लोग हम लोग से हमारी खींच ले रहे हो, हमारा हमारी आजादी छीन ले रहे। अरे हम लोग हमारे बच्चों का क्या फ्यूचर है आगे, ये लोग क्यों ऐसा कर रहे हैं हम लोग के साथ? आज हम लोग लेडीज लोग को इधर रास्ते पे उतरना पड़ा है, क्यों? इन लोगों की वजह से आज सबको घरों में काम नहीं है, सबके घरों में सास नहीं है, उनके बच्चे नहीं, उनके शौहर नहीं है, कितना काम है हम लोग को घरों में, सब छोड़ छोड़ के दिन दिन भर यहाँ पे बैठ रहे, पागल है हम लोग, कब हमारी सुनेंगे वो लोग? सब लोगों को जिस तरह से यहाँ पर समर्थन जो मिल रहा था कहीं ना कहीं अब वो समर्थन नहीं आ रहा है, कुछ महिलाओं से भी हमने यहाँ बात की तो उन लोगों का कहना है कि पहले जैसे पुरुष जो थे वो समर्थन दे रहे थे लेकिन अभी जो है समर्थन नहीं मिल रहा है, तो यहाँ के जो पुरुष है उनको लिए क्या कहें? पुरुष है, पुरुष हमारे पीछे है, वो हमें सपोर्ट कर रहे हैं, बस वो आगे नहीं है बट वो हमारे साथ है, हमारे सपोर्ट में ही है, क्योंकि पुलिस भी उनको खड़े रहने नहीं दे रही है, तो जेंट्स लोग को नहीं रहने दे रही है, वो आते भी है तो लोगों बोलते हैं यहाँ से हट जाओ, अगर कोई कुछ प्रोग्राम भी करता है तो उसको भी हटाया जाता है, जेंट्स जाओ इधर से, जेंट्स जाओ, बट वो हमारे सपोर्ट में है, अब रहना तो चाहिए ना, थोड़े बहुत तो जेंट्स रहेंगे कि नहीं, और यही बात है बस, और क्या, बस यही कि बस हम लोग बहुत अच्छे से हम लोग शांति से हमारी ये जो बैठक है, ये धरना हमारा बहुत शांति से है, हम कोई चीज को नुकसान नहीं पहुंचा रहे, किसी को कुछ बोल रहे नहीं है, समझे, हम आराम से यही कि जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं और कुछ नहीं है, इनकलाब के नारे लगा है, जिंदगी जिंदाबाद जिंदाबाद के नारे लगा रहे और कुछ नहीं है, हम लोग तो कुछ ऐसी कुछ कर रहे नहीं है, तोड़ फोड़ तो कर रहे नहीं, कुछ नहीं कर रहे, तो हमको क्यों परेशान कर रही पुलिस? नहीं परेशान करना चाहिए ना, खाली बैठ रहे ना इधर, हम लोग इत्मीनान से, किसी को कुछ तकलीफ तो नहीं दे रहे हैं, हाँ इनको क्या तकलीफ हो रही है हमारे बैठने से? जय हिंद बोलना है बस, तो मेहरबानी करके पुलिस को आप लोग भी बोलो कि जैसे औरतें सही तरीके से बैठी है उनको बैठने दो, उनको परेशान मत करो, भगाओ मत, और हम लोग भागने वाले नहीं है यहाँ से, कितना भी पुलिस कोशिश कर ले हमको हटाने के लिए नहीं हटा सकती पुलिस हमको, साथ में है, हाँ। सब एक है, सब एक हम सब हिंदू मुस्लिम एक है, हम लोग वही बता रहे हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, भाई। सोच बेकार है कि हम लोग यहाँ से हटा देंगे, जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी हम लोग यहाँ से हटेंगे नहीं, कुछ भी हो जाए भले से हमको जेल में डाल देवे लेकिन हम लोग यहाँ से हटेंगे नहीं, हम सब मिल ये सोच ले वो सुन ले, जय हिंद जय भारत जय संविधान। तो आपने सुना कि जिस तरह से जो ये मुंबई का शाहीन बाग है यहाँ पर जिस तरह से महिलाएं प्रोटेस्ट कर रही हैं, हम एक बार आपको और तस्वीरें दिखाना चाहेंगे कि जिस तरह से ये अरबिया होटल से लेकर जो नया नगर इलाका है वहाँ तक इसी तरह जो है महिलाओं का हुजूम है, हज़ारों की तादाद में ये महिलाएं जो है CAA NRC NPR के खिलाफ जो है यहाँ पर विरोध प्रदर्शन कर रही हैं। एक बात और आपको बता दें कि आज जिस तरह से सुबह से ही अटकलें लगाई जा रही थी कि आज शाम को 5 बजे जो है ये मुंबई बाग का जो प्रोटेस्ट है इसे खत्म कर दिया जाएगा, लेकिन यहाँ पर महिलाओं की तादाद और बड़ी संख्या में यहाँ पर पहुँच गई और ये प्रोटेस्ट जो है और बड़ा हो गया है। जो महिलाएं यहाँ पर हैं उन महिलाओं का कहना है कि इस प्रोटेस्ट को हम तब तक नहीं बंद करेंगे जब तक इनकी मांग पूरी नहीं हो जाती है, हालांकि इन लोगों का ये भी कहना है कि जो यहाँ पर पुरुष थे उन लोगों का सपोर्ट उन्हें फिलहाल यहाँ पर मिल रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं जो है पुलिस का हल्का फुल्का दबाव इन पर ज़रूर है, लेकिन
प्रोटेस्ट जो है यहाँ पर जारी है और जब तक इनकी मांगे यानी कि जब तक CAA NRC NPR के को सरकार जब इस पर अहम फैसला नहीं लेती है, CAA को वापस नहीं लेती है, तब तक यहाँ पर प्रोटेस्ट जारी रहेगा। कैमरामैन रहमान के साथ इस्लामुद्दीन खान, प्रहार टाइम्स, मुंबई। ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।